अगर यहाँ की जलाई हुई हटा दी जाए वहाँ पर तीसरी बोगी वैन खड़ी थी। भीड़ जो है यहाँ से हिंसा की शुरुआत की थी और उसके बाद रुक किया था अदालत की तरफ, जहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात थी। सबसे पहले पुलिस फोर्स पर हमला किया था, पत्थरबाजी की थी और उसके बाद स्पीकर की तरफ दाखिल हुए थे, जिसके बाद मीडिया पर भी हमला हुआ था। हम लोग भी वहीं थे पुलिस के साथ साथ, हमें भी वहाँ से उल्टे पांव भागना पड़ा था। भाग करके तमाम लोगों ने अपनी अपनी जिंदगी और जान बचाई, लेकिन चूंकि काम हमारा यही है, लिहाजा अभी थोड़ा ही वक्त बीता है घटना को, लेकिन मीडिया यहां पर एक बार फिर पहुंच गया है। यहीं पर मीडिया को मुर्दाबाद, मीडिया की गाड़ियों को जलाया गया था और आज भी मीडिया की ओबी वैन यहां पर खड़ी हुई देख पा रहे होंगे। चार ओबी वैन यहां पर जलाया गया था, कई पुलिस वाले जख्मी हुए थे, कुछ लोगों की जान गई थी, कई मीडिया वाले घायल हुए थे, लेकिन आज चूंकि फिर यहां पर पहुंचना जरूरी है तो एक बार फिर हम यहां पर पहुंचे हैं। यहां पर मनोज भाई हमारे साथ में मौजूद है, जो कि सेक्टर 6 के प्रधान भी है, शायद कहां से प्रधान हो मनोज आप? 6 से 3 दिनों में और कल देखने में ये घर घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो दूध की दिक्कत थी, हर एक की जो रोजमर्रा की चीजों की जरूरत होती है वो सब चीजों की दिक्कत थी। भय में थे लोग घरों से बाहर नहीं निकले और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने कोई ये नहीं कहा कि बाबा के ऊपर जो फैसला है वो बिल्कुल सही आया। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि बाबा राजनीति